वेल दोस्तों, रियलमी डिवाइसेस में रियलमी UI 2.0 का जो अपडेट है वो धीरे धीरे डिवाइसेस में देखने को मिल रहा है। और इस मंथ यानी कि मार्च के मंथ में रियलमी C3 और रियलमी नार्जो 10A को ये जो अपडेट है रियलमी UI 2.0 का वो देखने को मिलने वाला है। वेल, आज बात करेंगे कि ऑफिशियल डेट क्या है, कब आपको ये अपडेट जाकर के देखने को मिलेगा और कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो करने हैं सबसे पहले अपडेट लेने के लिए। और मैंने ये जो डेट कंफर्म की है रियलमी के स्मार्ट सपोर्ट से ऑफिशियली कंफर्म की है, उन्होंने ये डेट शेयर की, बट उन्होंने कहा कि 90% ये डेट जो है वो सही है, 10% जो भी चेंजेस होंगे वो आपको मैं बता दूंगा जब चेंजेस होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई नीचे लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता है हमें 50K के ऊपर जाना है। सो चलिए Without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर, जो मेरे चैनल के ऊपर वॉच टाइम है कि कौन कौन मेरे इस वीडियोज़ को देखता है। तो नॉट सब्सक्राइबर बंदे भाई 92% मेरे चैनल के ऊपर ऐसे हैं जो मेरी वीडियो तो देख लेते हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और सब्सक्राइब सिर्फ 5% यूज़र ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देख लेते हैं। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट भूलना मत भाई, अभी कर दो, नीचे लाल कलर का बटन होगा और साथ में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे प्रेस कर लेना। दोस्तों, अगर आप लोग Realme UI 2.0 के अर्ली एक्सेस का रोड मैप चेक करें तो यहाँ पर अगर आप लोग मार्च का मंथ देखें तो मार्च के मंथ में Realme C3 और Narzo 10A को जो अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है। वेल, अब बात करें इनके ऑफिशियल डेट की, किस डेट को जाकर के इनको जो बीटा फॉर्म्स हैं अर्ली एक्सेस Realme UI 2.0 के वो देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए Realme UI 2.0 अपडेट Realme C3। सो यहाँ पर Realme C3 के लिए जो अर्ली एक्सेस फॉर्म्स हैं Realme UI 2.0 के वो ऑफिशियली Realme 24 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच बीच में आपको अपडेट दे देगा। अब इसी के साथ बात करें हम Realme Narzo 10A की, सो इसको जो अपडेट है 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च को देखने को मिल जाएगा। आपको पता होगा जो भी बीटा फॉर्म्स या बीटा आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिलते हैं वो आपको एंड ऑफ मंथ में ही देखने को मिलते हैं। सो ये तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि आपको लास्ट वीक में जाकर के जो अपडेट है अर्ली एक्सेस फॉर्म्स का वो देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही होंगे सबसे पहले Realme UI 2.0 का अपडेट लेने से पहले, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, आपके मोबाइल फोन की जो स्टोरेज है वो 5GB तक होनी चाहिए, यानी कि फ्री आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्टोरेज है 5GB तक रहनी चाहिए। और उसके साथ आपके मोबाइल फ़ोन में जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट होगा वो उसके ऊपर आपको रहना है, यानी कि जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट होगा वो आपको Realme की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट वेबसाइट या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो ये दो स्टेप्स आपको मोस्ट प्रोबेबली करने हैं अपने डिवाइस में, और जब बीटा फॉर्म जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग जाकर के उसको भी ज्वाइन कर लेना सबसे पहले अपडेट लेने के लिए। अब इसके साथ बात करें जिन डिवाइसेस को फरवरी और जनवरी मंथ में अपडेट देखने को मिल गया है उनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बैच कब आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली रियलमी 7i का जो थर्ड बैच है वो आपको 20 मार्च तक देखने को मिल जाएगा, और रियलमी 6i का आपको 2-3 दिन में जो अगला बैच है 6th बैच वो देखने को मिल जाएगा। Narzo 10 को भी आपको जल्दी सेकंड बैच देखने को मिल जाएगा, और इसकी डेट आपको एंड ऑफ मार्च आप लोग रखिए। इसी के साथ Realme X2 का पिछले ही कल स्टार्ट हो गया है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे आपको लाल कलर का बटन देखने को मिलेगा, इसी के साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। सो मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।